हाय गाइस, आज हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर बनाएंगे। हम लोग जैसा जानते हैं, फ्लावर के चार पार्ट्स होते हैं, चार मेन पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टैमेन, पिस्टल। ठीक है, तो ऐसे तो सब ये सब सारे यूनिट्स के नाम हैं और इन सब का वो वर्ल्स का नाम अलग अलग होता है। वर्ल्स मीन्स ग्रुप्स, आई मीन इसका ग्रुप का नाम अलग होता है। सो वी विल डिस्कस दैट लेटर इन अनदर वीडियो। फॉर नाउ हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पिस्टल। पिस्टल बनाने के लिए हम एक यू जैसा, आई मीन ओ जैसा हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं करना है और इसको ऊपर लेके चलना है। ऊपर लेके गए और यहाँ पर एक हर्ट जैसा शेप बना के, आधा हर्ट का शेप बना के हम छोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसी से इस लाइन को हम लोग इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी उसी तरह से आधा हर्ट बना करके छोड़ देंगे और फिर ये दोनों को मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पिस्टल। स्टामिन तो ढेर सारा होता है ऐसे, बट हम लोग कुछ ही बनाएंगे यहाँ पर। और स्टामिन बनाने के लिए सबसे पहले तिरछा ओ इस तरह से बनाएंगे, इसको बीच से कट करेंगे और इसका बेस से लेकर के हम इसके बेस तक ले जाके रख देंगे और इसको हम लोग डबलिंग कर लेते हैं। ये रहा हमारा एक स्टैमिन। इस तरह हम लोग दो तीन स्टैमिन और बना लेंगे, जैसे कि ये। इधर भी अब आइए, हमारा बन गया मेल और फीमेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट इज स्टैमिन एंड फीमेल पार्ट इज पिस्टल। अब हम लोग इसका बेस बनाएंगे। ठीक है, बेस जो होता है इसको हम लोग थैलेमस कहते हैं। ये इस तरह से होता है, कुछ मोटा सा इस तरह से सोलन लाइक स्ट्रक्चर, बट हम यहाँ पर ये सेपल से ढका हुआ रहता है, तो हम यहाँ पर पहले सेपल बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये एक हो गया इस तरह से, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी। ठीक है, अब ये जो सॉलिड बेस है इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारा सेपल रेडी। अब हम बनाते हैं इसका पेटल्स। तो पेटल्स में हमारा लॉन्गिट्यूड सेक्शन है, तो तीन ही पेटल कवर होगा अगर हम पेंटामेरस फ्लावर बना रहे हैं, यानी कि पांच पेटल वाला फ्लावर बना रहे हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले वाले पेटल से, जो मेन पेटल जो हम लोग को यहाँ पर दिखने वाला है। सो कुछ इस तरह से ये बना। ठीक है, सर साइड वाले पेटल्स। ठीक है, ये हमारा फ्लावर रेडी। अब हम लोग इसका लेबलिंग करेंगे और लेबलिंग में हम लोग का सबसे पहले मेन पार्ट जो आ जाता है, ये हो गया पेटल। ठीक है, ये हमारा पिस्टल, ये हमारा स्टैमेन, बट हम पहले इसका पार्ट्स लिख करके फिर लेबल करेंगे। तो हम पहले इसका कर देते हैं, ये हमारा हो गया सेपल। इस फ्लावर जिस पे खड़ा है ये सॉलिड पार्ट, इसको हम कहते हैं थैलेमस। और स्टेम जिससे ये कनेक्टेड होता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं पेडिकल। ओके, अब हम इसका लेबलिंग करते हैं स्टामेन का। तो स्टामेन का दो पार्ट होता है, इसको कहते हैं एंथर और इसको कहते हैं हम फिलामेंट। ये दोनों ही मिला करके स्टामेन बनता है। अब फीमेल पार्ट में ये हमारा हो गया सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ये वाला लंबा सा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं स्टाइल। इसको हम कहते हैं ओवरी। ठीक है,
इस ओवरी के अंदर आप चाहे तो ओव्यूल्स भी बना सकते हैं। ओव्यूल्स कुछ इस तरह से होगा, ये रहा एक राउंड सा स्ट्रक्चर, ठीक है, एक सिंपल सा लाइन इसको कट करते हुए, और चारों तरफ से इसके ओव्यूल्स कुछ इस तरह से, तो तरफ से ये रहे ओव्यूल्स, ठीक है। सो ये रहे ओव्यूल्स जो कि होते हैं ओवरी में, और ये सब मिला करके हम कहते हैं पिस्टल। ऐसे इस पिस्टल को कार्पल भी कहते हैं। स्टामेन के सारे ब्रंच को हम बंच को हम लोग एंड्रोशियम भी कहते हैं। कार्पल के सारे बंच को हम लोग गाइनेशियम भी कहते हैं। ठीक है, पेटल के सारे ग्रुप को हम कहते हैं कोरोला, और सेपल के सारे ग्रुप को हम कहते हैं कैलिक्स। तो ये रहा पूरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और ड्राइंग के लिए भी कुछ ट्रिक्स मिले होंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।